सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मांगा चैप्टर 1032 का स्पॉइलर आ चुका है और आज ये वीडियो होने वाला उस स्पॉइलर के ऊपर। सो जो एनिमे फैंस है कृपा करके उससे दूर रहे, और जो मांगा रीडर्स है और जिनको नहीं जाना कि स्पॉइलर के बारे में, वो लोग भी इस वीडियो से दूर रहे। भाई वीडियो में आगे बढ़ के मेन टॉपिक में आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा फिर से एमडी हारून के बारे में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा था। अब मैं दोबारा से इसका कमेंट लेना पड़ गया, क्योंकि कल ये मेरे Q&A वाले वीडियो पे ये अपना गुस्सा उतार रहा था क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिया। देख मेरे भाई, सिंपल में एक चीज कहना चाहूंगा, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जो सेम बराबर लेवल का मानता हूँ, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रख लो। और एक चीज, तू एक लौता बंदा नहीं था जिसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था। सेकंड चीज ये कि तूने जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे ना, वो कोई सेंस ही नहीं बनाते थे। क्या लूफी काइडो के खिलाफ फिफ्थ गियर यूज करेगा? अब यार हम ओडा थोड़ी है जो हमें मालूम होगा, वो तो ओडा ही जाने ना, हम लोग थ्योरी बना सकते हैं। प्लस एक और चीज जान लो कि तुम एक लौता बंदा नहीं था जिसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था। वहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका मैं क्वेश्चन ले सकता था और वीडियो को लंबा चौड़ा बना सकता था, या फिर उनके ही क्वेश्चन लेता, तुम लोग के नहीं लेता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। एग्जाम्पल जानना है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता है सिकाजू सान, जो मेरा खुद का थंबनेल बनाता है, मेरे हर वीडियो का थंबनेल बना देता है, हाँ दो तीन को छोड़ के। अब बताओ, क्या मैं उसके डिमांड पे मैं उसका क्वेश्चन नहीं ले सकता था? मैं ले सकता था अगर वो कहता तो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहता, लेकिन मैंने नहीं लिया ना भाई, वो चीज समझो। एनिमे आचार्य भाई, बंदा मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, पर मैंने उसका भी कमेंट नहीं लिया। आरजे ओटाकू भाई, इसके तो बोलो नहीं, वन पीस कम्युनिटी में इसके पीछे पड़ गए थे लौंडे, पर बंदे का आज 5K सब्सक्राइबर है और ये बंदा भी मेरा सब्सक्राइबर है, मैं इसका भी कमेंट नहीं लिया। क्या इसने मेरे को शिकायत किया? क्या ये लोग शिकायत के इस वजह से तुम जो गुस्सा हो जाओगे, तुमको अनसब्सक्राइब करना कर दो ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी बोल दिया है। खैर फ्रस्ट्रेशन निकाल के कोई फायदा नहीं है, जिस टाइप के लोग होते हैं उस टाइप के ही रहेंगे। यार समझा करो, इतने सारे लोगों को मैं क्वेश्चन कैसे लूं। बात करूं अब मैं मांगा चैप्टर के स्पॉइलर को लेकर के। देखो मेरा भाई, ये जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तुमको इसका मतलब पता चल जाएगा। इसके स्पॉइलर देख के मुझे समझ में आ गया और मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा। और रहा बात इसके टाइटल को लेकर, हो सकता है फ्यूचर में इसका टाइटल चेंज भी हो जाए। सबसे पहला जो स्पॉइलर मिला वो मार्को को लेकर के, मार्को ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फीनिक्स एंड गोज विद इजू। अब देखो यार, ये चीज तो होना ही था, क्योंकि यार जोरो और सांजी फाइट करके बहुत टाइम हो चुका है किंग एंड क्वीन के खिलाफ, तो मार्को भी अपना दोबारा से मतलब अपना एनर्जी चार्ज कर लिया होगा। अब वो जाकर के इजू के साथ किसी और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा, जो कि मैं खुद देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक मार्को फैन हूँ। नेक्स्ट स्पॉइलर आता है, इट सीम्स दैट नंबर फुगा इज यामाटोस फ्रेंड। अब यामाटो की ये किस तरह से फ्रेंड, वो चीज तो हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे रेडिट पे थ्योरी बना हुआ था कि हमें जब यामाटो का बैक स्टोरी दिखाया गया था, वहां पर जब छोटी थी वो और उसे एक गुफा के अंदर बंद कर दिया था, वहां पे बहुत सारे सामुराइज थे, हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो जायंट्स हैं, वही सामुराई हो। अब पता नहीं यार वो किस तरह से यामाटो को जानती, ऐसा भी तो हो सकता है यार फुगा और यामाटो दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यार देखो वो तो काइडो की डॉटर है और फुगा तो यार अपना नंबर्स का मेंबर है, ऊपर से ये काइडो के अंदर काम करता है, और हो सकता है ये जब आई होगी यामाटो और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए होंगे। ये एक नॉर्मल चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्पॉइलर, ब्रूक एंड रॉबिन फॉल फ्रॉम द स्काई अबव फुगास हेड। देखो यार तुमको याद होगा जब मैंने पिछला चैप्टर कवर किया था, तो वहां पर रॉबिन और ब्रूक दोनों ऊपर से कूद गए थे, और वो लोग सीधे क्या करते हैं यार, फुगा के ऊपर कूद जाते, उसके सर के ऊपर। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, यामाटो तो जानती है कि ये लोग जो है स्ट्रॉ हैट के साथ है, मतलब भले ही नहीं पहचाने पर वो काइडो के तो सोल्जर्स को तो पहचानती है ना कि ये काइडो के सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो अच्छे से जानेंगे कि ये तो उसके साथ फाइट कर रहे थे, ये तो लूफी के साथ है, तो वो उनको समझा सकती है। और अगर फुगा उसका दोस्त है तो फुगा उन लोग को कुछ नहीं करेगा, तो एक तरह से कह लो यामाटो, फुगा, रॉबिन एंड ब्रूक ये सब जाकर किसी ना किसी तरह से बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि यार यामाटो के साथ रहेगी तो अपना जो रॉबिन और ब्रूक है इन सबको किसी से खतरा नहीं होने वाला। नेक्स्ट, द CP0 गोज आफ्टर देम बट दे आर इंजर्ड बाय द फायर यूकाई That also falls from the upper floors. अब देखो यार ये वाला जो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्पॉइलर सुन करके, क्योंकि जो कांजीरो ने फायर डीमन क्रिएट किया था वो एक तरह से कह लो वो इन सब सामुराई को मारने के लिए क्रिएट किया था, पर ये सब यार CP0 के पीछे ही पड़ गया। प्लस मुझे यहाँ पर एक और चीज जानना है, अबे ये CP0 का कार्टून बना रखे हो, अबे इन लोग को जबरदस्ती कर रखा है क्या, ये उस फायर डीमन से इंजर्ड हो गया, वाह, और इन लोग का खौफ पूरा बना के रखा था कि यार ये रॉबिन को पकड़ लेंगे। भाई अगर ऐसा है ना, ब्रूक तो अकेला ही इनको काट देगा, पर देखते हैं ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट स्पॉइलर, अपू डिस्कवर्स द CP0 एंड टेक्स पिक्चर्स ऑफ देम टू सेल टू मॉर्गन। वाह भाई, अपना अपू बहुत ज्यादा साना बंदा है, वो क्या करता है वो CP0 का पिक्चर खींचता है और उसको मॉर्गन के पास भेजना चाहता है वो फोटो, पर यहाँ पर कुछ और सीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्पॉइलर, CP0 नोस ड्रैक
ट्रू आइडेंटिटी। अब एक्स्ट्रा किसके साइड है साला हमको खुद नहीं पता चलता, वो कभी लूफी के साइड होता कभी उनके साइड होता, ये यार ये सबसे कंफ्यूजिंग कैरेक्टर बना देता कभी कभी तो वन पीस में। ये किसी के साइड नहीं हो सकता यार, कोई लोग बोलता है ये स्वॉर्ड का मेंबर, कोई बोलता है ये मरीन के साथ है, कोई बोलता है ये उसके साथ है, पर ये बंदा यार किसी के साथ नहीं रहता। लेकिन ये बंदा देखते हैं यार फिलहाल तो लूफी के साइड ही है, और जिस तरह से एपू को मना किया था हो सकता है ये लूफी के साइड ही हमेशा रहे। लेकिन यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट स्पॉइलर वाला लाइन बोलने वाला हूँ उसके बाद तुमको हैरानी सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइट होने लगता है CP0 वर्सेस एपू एंड एक्सट्रैक्ट। भाई एक्सट्रैक्ट एंड एपू मिलकर CP0 के साथ फाइट कर रहे, और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर ये CP0 के मेंबर्स आखिर स्ट्रॉन्ग कितने हैं। नेक्स्ट स्पॉइलर, किंग वर्सेस जोरो, इट अपीयर्स दैट किंग हैज द स्पेशल डायनासोर बॉडी लाइक क्वीन। अब यार ये किंग भी अजीब गरीब नखरे कर रहा है, कभी ये लुनारियन होता है कभी डायनासोर बन जाता है कभी कुछ भी बन जाता है। चलो क्वीन का मानते हैं, वो यार एक साइंटिस्ट है, वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, पर अब ये किंग भी वैसा बन रहा है, अजीब बंदा यार। नेक्स्ट स्पॉइलर, किंग रिटर्न्स टू हिज ह्यूमन फॉर्म एंड फाइट विथ हिज स्वॉर्ड अगेंस्ट जोरो। देखो यार उसके बाद किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, स्वॉर्ड निकालता और वो स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है जोरो के खिलाफ, जो कि जोरो को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार किंग अपना जो स्वॉर्ड फाइट करता नहीं, वो नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन की तरह फाइट नहीं करता, वो चीटिंग करके फाइट करता है, उसको स्वॉर्ड चलाना एक तरह से आता ही नहीं है। यहाँ पर ये देखने के बाद जोरो कहता है, जोरो इज इट ए फिशमैन, डज ही हैव ए जायंट्स ब्लड, ही ऑब्वियसली हैज द पावर ऑफ रेस, आई डोंट नो, इफ आई डोंट सॉल्व द मिस्ट्री I won't be able to defeat him। अब देखो यहाँ पर जोरो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर वो जायंट है फिशमैन है क्या है पता नहीं यार, वो लुनारियन है इतना हमें पता है, प्लस वो क्या फिशमैन है पता नहीं, जायंट वो भी ठीक से पता नहीं, और जोरो अपना यार ये मिस्ट्री सॉल्व करता किस तरह से वो देखने को लिए मैं एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट स्पॉइलर मेरा भाई, जब मैंने पढ़ा ना मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यार जो एनमा स्वॉर्ड है वो हायोरी एक गिटार टाइप का बजाती थी, तुमको याद है ना वो जैपनीज वाला जो रहता है सामी सिन या ऐसा ही कुछ कहता है, मेरा प्रोनाउंसिएशन घटिया है, वो गिटार टाइप का बजाती थी और वो गिटार का साउंड ना दूर से सुनाई देता है, वो सुनने के बाद जोरो का जो स्वॉर्ड है एनमा वो रिएक्ट करने लगता है, और ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर जोरो किस तरह से एनमा को यूज करेगा, क्योंकि यार अगर तुमको याद होगा मैंने जोरो वर्सेस किंग वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जोरो आखिर किस तरह से हराएगा किंग को, वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि एक फोर सेटिंग था उसको मैंने कवर किया, तो वो वाला वीडियो अगर तुमने नहीं देखा जाके वो वाला वीडियो देख लो। प्लस यहाँ पर हमें जो हायोरी का गिटार बजता हुआ सुनने को मिलता है जिस वजह से एनमा रिएक्ट करने लगता है, अब उसमें क्या नया पावर आ जाएगा वो मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब ये जो गिटार बज रहा होता है इसके बाद ये साउंड ना ओरुची सुन पाता है, और ओरुची उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे गिटार बज रहा होता है, और वो गिटार कोई और नहीं बजा रहा होता अपनी हायोरी बजा रही होती है। अब तुम अच्छे से जानते हो जो अपनी हायोरी है उसका पुराना नाम क्या, मतलब वो पहले कामोरासाकी के नाम से छिपी हुई रहती थी, और जो ओरुची है वो उसको अच्छे से पहचानता है, और उसे देखने के बाद बोलेगा कामोरासाकी जिंदा है या फिर कहले भूत है, क्या समझता है पता नहीं यार, वो मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, या फिर कोई और आके हायोरी को प्रोटेक्ट करता है ये मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बात करूँ इस चैप्टर को लेके तो मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, और खासकर जिस तरह से कंफ्यूजिंग स्पॉइलर दिए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर जब तक नहीं आता ठीक से समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चैप्टर को लेकर के। आई होप तुमको ये स्पॉइलर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे मुझे जो मोटिवेशन मिलता रहे, प्लस जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास वीडियो चल जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।